तो इस नाइकन के जितने भी क्रोप सेंसर DSLR कैमराज हैं उनमें ओनली वन ये कैमरा है जिसके अंदर आप जो है प्रोफेशनल वीडियोग्राफी जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि नाइकन को अपनी पूरी लाइफ जो है अपने क्रोप सेंसर DSLR के अंदर जो वीडियोग्राफी के फीचर डालने का ख्याल नहीं आया। उनका सारा फोकस जो था वो स्टिल फोटोग्राफी पे था, जिसका जो है सोनी ने और जो है वो कैनन ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया। सो इस नाइकन ने अपने D7500 में वीडियोग्राफी के जब तक सारे फीचर डाले तब तक जो है वो मिररलेस आ चुके थे, इस वजह से ये कैमरा जो इतना फेमस नहीं हुआ। लेकिन नाइकन के जितने भी डाई हार्ड फैन हैं वो अभी भी इस कैमरे से वीडियो बनाते हैं और बहुत प्रोफेशनल वीडियो जो है वो इससे शूट करते हैं। तो चलिए आज हम भी इस कैमरे की सिनेमैटिक वीडियो को टेस्ट करके देखते हैं, इनडोर में, आउटडोर में, नाइट में, इसके अलावा इसकी व्लॉगिंग का, 4K वीडियो का टेस्ट भी हम करेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो है इस कैमरे से जितने भी वीडियो क्लिप जो है वो शूट करेंगे वो सारे रॉ क्लिप विदाउट एडिट जो है यहाँ पर जो है लिंक लगा दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लें और जो है जूम करके जो आप क्वालिटी को चेक कीजिएगा। तो आज की वीडियो के हमारे जो वो चार स्टेप है, पहले स्टेप में आपको इसकी बेस्ट कैमरा सेटिंग बताऊंगा, तो दूसरे नंबर पर जब इसकी वीडियोग्राफी का टेस्ट करेंगे, तीसरे नंबर पर आपको इसके वीडियो के की फीचर बताऊंगा और चौथे नंबर पर आपको इसकी न्यू एंड यूज प्राइस बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले नंबर पे बेस्ट सेटिंग की बात कर लेते हैं वीडियो के लिए। तो यहाँ पर ये वाले डायल को आपने नीचे करना है, तो आप जो है इसके वीडियोग्राफी के मूड के अंदर जो है चले जाएंगे। यहाँ पर इसकी सारी सेटिंग जो आपको नजर आएंगी जो वीडियोग्राफी के लिए आपने यूज़ करनी है, तो यहाँ पर जो जरूरी सेटिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपने जाना है मेन्यू में, मेन्यू में जाने के बाद आपने ये वीडियोग्राफी वाले जो है सेटिंग के अंदर आना है और यहाँ पर आपने फ्रेम सबसे पहले जो अपना सेट करना है, यहाँ से 60 फ्रेम रखना चाहते हैं या 4K रखना चाहते हैं वो आपने यहाँ से सेट कर लेने हैं। मूवी क्वालिटी आपने हाई रखनी है और जो है मूवी फाइल को आपने जो है MP4 रखना है। इसके बाद आपने वाइड बैलेंस कैल्वन, पिक्चर स्टाइल आप जो आपको अच्छा लगे वो आप जो है रख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा माइक्रोफोन की सेंसिटिविटी जो है वो आपने हमेशा 11 के ऊपर रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो वीडियो के अंदर फेस ट्रैकिंग वाला सिस्टम है वो AF-S को ट्रैकिंग पे रखना है आपने। ये पीछे इसका ऑटो फोकस का बटन होता है, उसको आप दबा के रखेंगे तो ये देखिए इस तरीके से ये चेंज हो रहा है। आपने इसको जो है फेस के ऊपर रख लेना है। यहाँ पर जो है आउटडोर नेचुरल लाइट में हमने जो है इस कैमरे से एक जो है फैशन फिल्म शूट करके इस कैमरे के ऑटो फोकस को और स्टेबलाइजेशन को जो है वो चेक करने की ट्राई की है। तो यहाँ पर जो आपको बड़ा क्लिप नजर आ रहा है ये जो एक्चुअल क्लिप है, जो नीचे आपको नजर आ रहे हैं लेफ्ट साइड पे वो इसके BTS हैं और एंड पे जो इसकी मैं फैशन फिल्म आपको बना के दिखाऊंगा कि एक्चुअल में रिजल्ट कैसे है और आपको किस हद तक जो है वो एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर स्टेबलाइजेशन की बात की जाए तो यहाँ पर जो हमने वीबलेस गिम्बल यूज की है, जो शॉट हमने गिम्बल पे 50mm 1.8D के साथ लिए हैं वो जो है काफी हद तक स्टेबल है। तो यहां पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप जो है वो कोई प्राइम लेंस यूज कर रहे हैं तो आप जो है गिम्बल के साथ जो इसे यूज करें तो आपकी क्वालिटी जो है वो अच्छी निकल कर आएगी। तो यहां पर दूसरे नंबर हम बात कर लेते हैं ऑटो फोकस की, तो इसका ऑटो फोकस जो है टच स्क्रीन से हम करते हैं तो टच फोकस और फेस ट्रैकिंग इसके अंदर मौजूद है, उससे जो है इसका फोकस काफी अच्छा जो है वो हो जाता है। लेकिन फिर मैं आपको यही कहूंगा आप जो है अगर 50mm या 85mm यूज कर रहे हैं तो आपका फोकस जो है वो थोड़ा लेट होगा। अगर आप जो है कोई दूसरा लेंस यूज कर रहे हैं जो कि जूम लेंस है तो आपका फोकस है वो काफी अच्छा हो जाएगा उसकी निस्बत। यहाँ पर जो है वेडिंग हॉल सिनेमैटिक वीडियो के अंदर हमने जो है इस कैमरे के स्लोमो को एंड ब्लर एंड बुके को टेस्ट करने की ट्राई की है। नीचे BTS है, ऊपर जो है आपको जो एक्चुअल वीडियो है वो नजर आ रही है और एंड पे जो है इसकी जो फैशन फिल्म बनाकर मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले आप किस हद तक इसको जो है वो एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने स्लोमो को और ब्लर एंड बुके को टेस्ट करने की ट्राई की है, सारी वीडियो जो है वो हैंड से बनाई है। अगर स्लो मोशन की बात की जाए तो यहाँ पर जो है आप 60 फ्रेम के ऊपर सारी वीडियो जो है वो शूट की है और 60 फ्रेम के ऊपर आप जो है इस कैमरे की वीडियो को एक हद तक जो है स्लोमो कर सकते हैं, ज्यादा मजे का स्लोमो जो है वो नहीं इसके अंदर बन पाता। तो यहां पर दूसरे नंबर पर अगर ब्लर एंड बुके की बात की जाए, यहां पर ये देखें मैं जो 85 से शूट कर रहा हूं तो 85 से आपको सेम जो फुल फ्रेम वाली क्वालिटी मिलेगी अगर आप जो 85 या 50 यूज करते हैं। अगर आप कोई जूम लेंस यूज करते हैं तो आपको जो ब्लर एंड बुके इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा।
फिर यहाँ पर जो है नाइट में सिनेमैटिक वीडियो बनाकर जो है हमने इस कैमरे की ISO रेंज को, ग्रेन कवरेज को, कंटिन्यूस फोकस को, कलर साइंस को जो है वो टेस्ट करने की ट्राई की है। यहाँ पर 85mm 1.4 लेंस जो है वो यूज़ किया है। यहाँ पर फुल लाइट है, कोई भी जो है फेस लाइट यहाँ पर हमने यूज़ नहीं की। जो यहाँ पर एक्सटर्नल लाइट हमें जो है जो हमें एक स्ट्रीट में मिलती है वो वाली लाइट के अंदर जो हमने शूट किया है। तो यहाँ पर मैंने ये देखा है कि अगर आप जो इस कैमरे के ISO को 100, 200 या 300 रखते हैं तो आपको ग्रेन जो है वो देखने को नहीं मिलते, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कंटिन्यूस फोकस जो है ये, अगर आप कंटिन्यूस फोकस कर रहे हैं, आपका ऑब्जेक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा मोशन कर रहा है तो फोकस जो है इस कैमरे का वो छूट जाता है, फेस को ट्रैक नहीं कर पाता। तीसरे नंबर पर कलर साइंस की बात की जाए तो इसकी कलर तभी अच्छे निकलते हैं अगर आप जो है फेस के ऊपर कोई लाइट जो है यूज़ करें, एक्सटर्नल लाइट, फिर जो आपके कलर जो है वो अच्छे निकल कर आते हैं। यहाँ पर जो हम Nikon D7500 की 4K वीडियो का टेस्ट कर रहे हैं आउटडोर में, तो यहाँ पर जो 4K वीडियो है वहाँ पर जो है आपका VR ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो हैंड बहुत ज़्यादा शेक होता है। आपको गिम्बल पे या स्टैंड पे या मोनोपोड पे लगा के जो वीडियो बनानी पड़ेगी। इसके अलावा जो है इसका फोकस भी हमने जो मैनुअल किया है। यहाँ पर 50mm जो है D लेंस जो हम यूज़ कर रहे हैं, मैनुअल फोकस के ऊपर फोकस हो रहा है, लेकिन जैसे हम ऑटो पे करते हैं फोकस बहुत ज़्यादा जो है वो शेक होता है और वीडियो बहुत ज़्यादा शेक हो रही है। थैंक यू जी। तो यहाँ पर जो हम वेडिंग के अंदर जो हम देख रहे हैं टेस्ट करें इसकी 4K वीडियो का, कि वेडिंग के अंदर आपको किस तरीके की क्वालिटी मिलेगी 4K वीडियो की। तो यहाँ पर जो है वेडिंग की लाइट है, जिस तरह की आपको येलो टोन मिलती है अक्सर वेडिंग के अंदर, और सिंपल यहाँ पर हमने 50mm 1.8 यूज़ किया है। उसका जो फोकस है वो हम जो मैनुअल फोकस कर रहे हैं, यहाँ पर जो है जब आप 4K कर लेते हैं ऑटो फोकस बहुत ज़्यादा तंग करता है, तो जो है और इसके अलावा जो माइक्रोफोन है वो हम रोड का यूज़ कर रहे हैं। थैंक यू। तो यहाँ पर जो हम Nikon D7500D की 4K वीडियो क्वालिटी का टेस्ट कर रहे हैं नाइट में। यहाँ पर जो है आप देखें नाइट वाला सीन है, स्ट्रीट में जो अवेलेबल लाइट है वही लाइट है। 85mm 1.4 हम लेंस यूज़ कर रहे हैं, साथ में जो हम रोड का माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हैं, और लेंस को जो हम मैनुअल पे यूज़ कर रहे हैं, ऑटो पे जो है फोकस को नहीं यूज़ कर रहे हैं। फिर यहाँ पर जो हम Nikon D7500 के व्लॉगिंग का टेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर जो है हम सिग्मा का 17-50mm जो आता था वो वाला लेंस जो है वो यूज़ कर रहे हैं, पुराने वाला 2.8, और यहाँ पर सेटिंग सारी मैंने जो है वो मैनुअल रखी हुई है। और ये देखिए आप किस तरह फोकस ट्रैक कर रहा है, कलर टून। इसके अलावा जो है शाम का टाइम है यहाँ पर, और आप खुद देख लें आप इससे जो है व्लॉगिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। शेक देखें, मैं चल रहा हूँ यहाँ पे, शेकिंग का टेस्ट कर लें। इलेक्ट्रॉनिक VR जो है यहाँ पर ऑन है, और यहाँ पर माइक जो है वो हम वायरलेस गो रोड का यूज़ कर रहे हैं। थैंक यू। जो यहाँ पर जो हम Nikon D7500 की व्लॉगिंग का टेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखें जो आपको लाइट मिलती है इनडोर में, हॉल में, वेडिंग में या आपके घर में, उस तरीके की यहाँ पर लाइट कंडीशन है। और आप देखें ये फोकस कैसा कर रहा है, कलर टून कैसी आ रही है, ये सारी चीज़ें आप जो है चेक कर सकते हैं। ऑटो फोकस ये ट्रैक कर रहा है कि नहीं कर रहा। सिग्मा का हम जो है लेंस यूज़ कर रहे हैं 17-50mm लेंस, ठीक है जी, 2.8 है, और यहाँ पर जो है रोड का माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हैं। थैंक यू। तो यहाँ पर जो हम Nikon D7500 की व्लॉगिंग का टेस्ट कर रहे हैं नाइट के अंदर, यहाँ पर जो 17-55 जो कि आपको 17-50 जो आपको लेंस बताया था वही हम यूज़ कर रहे हैं। अवेलेबल लाइट के अंदर फोकस आप चेक कर लें, स्टेबलाइजेशन आप चेक कर लें, मैं थोड़ा सा चल रहा हूँ, स्टेबलाइजेशन वगैरह आप जो है देख लें। और मैं इसी का माइक्रोफोन यूज़ कर रहा हूँ ताकि इसकी आपको बिल्ड क्वालिटी पता चले कि जो इसका ओरिजिनल माइक्रोफोन है उसकी क्या क्वालिटी है। थैंक यू। फिर चलिए तीसरे नंबर पर जो इस कैमरे के की फीचर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाला कैमरा जो है 20MP का क्रोप सेंसर कैमरा है, जिसमें X-Speed 5 जो है प्रोसेसर यूज़ किया गया है। फिर यहाँ पर अगर इसकी वीडियो क्वालिटी की बात की जाए तो आप जो है फुल HD में 60fps पे वीडियो जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर जो 4K वीडियो भी 30fps के ऊपर जो है वो शूट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर 4K जो है टाइम लैप्स भी शूट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर इस कैमरे के अंदर जो 51 ऑटो फोकस पॉइंट है, इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक VR का ऑप्शन जो है इस कैमरे के अंदर जो मौजूद है। फिर यहाँ पर इसका जो ISO है मैक्सिमम आप जो 51,000 तक जो बढ़ा सकते हैं। इसकी बैटरी जो है फुल करने पर जो है 80 मिनट की वीडियो जो है रिकॉर्ड कर सकती है।
तो चलिए चौथे नंबर पर जो इस कैमरे की प्राइस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर अगर ये वाला कैमरा आप बाय करना चाहते हैं, सिर्फ बॉडी बाय करना चाहते हैं, तो आपको जो $1000 की कहीं से भी मिल जाएगी ऑनलाइन या ऑफलाइन। फिर अगर आप जो किट लेंस के साथ बाय करना चाहते हैं तो आपको जो 1400 के राउंड बोर्ड कहीं से भी मिल जाएगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी लाजमी कमेंट में बताइए। सारे मैंने क्लिप बनाए हैं, ये सारे रॉ क्लिप विदाउट एडिट जो है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लें, अपनी प्रैक्टिस करें बनाने की, एडिट करने की, इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। मेरी तरफ से ये क्लिप जो है कॉपीराइटेड फ्री है। तो आज की वीडियो जो हमारी यहीं तक, अगली वीडियो तक के लिए बाय।